पूरा भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं। हर किसी के घर पर तिरंगा नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यालय पर तिरंगा फहरा रही हैं। कोई तिरंगा यात्रा निकाल रहा है तो कोई तिरंगा फहरा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें विजय जैन की, तो आपको बता दें कि आज पानीपत ग्रामीण से कांग्रेसी नेता विजय जैन ने एक तिरंगा यात्रा निकाली और इस तिरंगा यात्रा में बाइकों पर लंबे काफिले के साथ जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। सभी युवाओं के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा था। इस मौके पर विजय जैन क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये 15 अगस्त हम सभी देशवासी चाहे देश में रहकर हो चाहे विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। क्यों न मनाएं हम इस पावन दिन को। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे सैनिकों ने जिस तरह से अपने प्राण न्योछावर करके हमें आज़ादी दिलाई, हमें याद करना होगा अपने उन सैनिकों को। उनको कोटि कोटि नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। आज ये 15 अगस्त का दिन, भाईचारे का दिन, मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि एक दूसरे को गले लगा करके इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दे, भाईचारा बना के रखे। ये हिंदू सिख मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई जो नारा था एक भारत में, कुछ लोगों ने जात पात पे लड़ाने की कोशिश की। मैं कहता हूं सभी भाई एकजुट होकर के रहे, भाईचारा बना के रखे। जो नारा है हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, भाईचारे से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं मेरा यही संदेश है कि भाईचारा बना के रखे। सर आप लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स, कैसा जनता का मेरे प्रति जो प्यार। मैं जहाँ भी जाता हूँ हजारों की संख्या में जो सम्मानित जन मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, जो प्यार देते हैं, जो स्नेह देते हैं, मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका ये उपकार कभी नहीं भुला सकता। एक छोटी सी आवाज़ पे आप देख रहे हैं हमारी तिरंगा यात्रा शुरू होगी, हजारों की संख्या में जैसे हमारे कार्यकर्ता साथी यहाँ आए हैं, मैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो पानीपत ग्रामीण से कांग्रेसी नेता विजय जैन ने कहा कि आज का दिन देश को गौरवान्वित करने का दिन है, क्योंकि आज भारत आज़ाद हुआ था। और ऐसे में उन्होंने कहा कि आज वो राजनीति नहीं करना चाहते हैं, उनका मकसद सिर्फ इतना है कि हर कोई इस तिरंगे के महत्व को समझे। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत माता की।